अहम खबर आपको मुंबई से बता दें। दरअसल मुंबई में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां एक कार सवार चालक ने एक बाइक सवार शख्स को कुचल दिया और बताया जा रहा है कि जो शख्स कार चला रहा था वो नाबालिग है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने दूध बेचने वाले 24 साल के युवक को टक्कर मार दी। इससे युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एसयूवी को एक नाबालिग चला रहा था, जिसने बाइक सवार नवीन को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद नाबालिग ने भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नाबालिग के अलावा दो और लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। हादसे के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में भेजे गए हैं, जिससे पता लगाया जा सके कि उसने शराब पी रखी थी या नहीं। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने दुर्घटना से पहले अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आई नई सोशल मीडिया पॉलिसी की। नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आए तो अब उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां अखिलेश और ओवैसी इसे सरकारी घूस बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी विरोध जता रही है। लेकिन नई सोशल मीडिया पॉलिसी में ऐसा है क्या जिसको लेकर विरोधी राजनीति कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। सियासत में कारनामे तो सबके उजागर होते हैं, किसी के जल्दी तो किसी के देर से। योगी ने अखिलेश की पार्टी की लाल टोपी के पीछे काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। तो सपा योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी को करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश बताने में लग गई, क्योंकि यूपी में योगी एक ऐसा नियम लाए हैं कि सरकार के गुण गाओ और घर बैठे लाखों कमाओ। अगर आप भी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर चलाने के शौकीन हैं और सब्सक्राइबर्स की फौज भी है, तो बाबा आपको मालामाल कर देंगे। रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया, निजी क्षेत्र में निवेश करके, और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय योगी का दावा है कि इन्फ्लुएंसर्स को रोजगार मिलेगा तो प्रदेश का ही तो विकास होगा, लेकिन बेरोजगारी के नाम पर पांव पटकने वाले विपक्षी नेताओं को ये पच नहीं रहा है। अखिलेश ने योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच बताने का दावा करते हुए ट्वीट करके तंज कसा है। उन्होंने लिखा, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली घूस है। सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले चारण पैदा करना चाहती है बीजेपी। बस यहीं से बयानों की बाढ़ आ गई और प्रियंका से लेकर ओवैसी तक सब सोशल पर वोकल होने लगे और योगी के फैसले को सरकारी घूस बताने में लग गए। अभिव्यक्त पे रोक लगाई जा रही है, पीड़ा पर रोक लगाई जा रही है। जो समस्याएं हैं उसको अभिव्यक्त न हो सके, ये प्रयास किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं लोग, उनको अगर कहेंगे तब भी मृत्युदंड का प्रोविजन कर देंगे। तो ये जो नीतियां हैं, जब आदमी बिल्कुल गलत रास्ते पर चलने लगता है, बदहवास हो जाता है, तब ऐसी बातें करता है, तो 27 में और उसके बाद 29 में ख़त्म। एक तो अच्छा प्लेटफार्म है, ये भी रोजगार का एक अवसर पैदा कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, देश के कई प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था चल रही है। योगी कोई फैसला ले और विपक्ष सियासत ना करे, ऐसा भी भला हो सकता है क्या? वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव आने वाले हो। लेकिन दावा यह है कि यूपी सरकार की ये पॉलिसी न सिर्फ रोजगार देगी बल्कि जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी देगी।
कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर वाहवाही करनी है और हाँ, आपत्तिजनक या फिर देश विरोधी पोस्ट की तो जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। देश में रहना है, उस देश का ही अगर देश विरोधी करेंगे तो ये देश को तोड़ने का काम है। तो देश अगर अखंड भारत बनना है तो देश की मजबूती के लिए इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया है। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था कि जिसको देखो वो देश विरोधी पोस्ट डाला करता, खाता यहाँ की बजाता कहीं की। और ये योगी जी ने पूरा अच्छा काम, जो आदेश हुआ है बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हुआ है। आप सोशल मीडिया पे जरा से भी गलत खबर डाल दीजिए, उसके दुष्परिणाम आने लगते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलने लगते हैं, तो इससे एक माहौल खराब होता है। जो अफजल के जयकारे लगा के उसकी ऑनलाइन पोस्ट डालते थे, जो देश विरोधी गतिविधियां करते थे, ऑनलाइन पोस्ट डालते थे जिससे माहौल बिगड़ता था, ऐसा करके माननीय योगी जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। योगी के फैसले से नेता भले परेशान हो मगर सोशल मीडिया चलाने वाले करोड़ों लोग गदगद हैं। कौन जाने कब किसकी लॉटरी लग जाए, लेकिन योगी की सोशल स्ट्राइक से विरोधी जख्मी है, इसीलिए तो सियासत के जरिए ही अब मरहम लगाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासत में सियासतदान जनता के बीच बने रहने के लिए और चुनाव में अपना लगातार प्रभाव बने रहने के लिए तमाम तरह की स्कीमें चलाते हैं और लोगों को फ्री फ्री में तमाम चीजें जो हैं वो देने लगते हैं, लेकिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था इन तमाम हालातों में चरमरा जाती है। हिमाचल प्रदेश में ही कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपको बता दें कि अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए, लेकिन ये बात आज के राजनेता सत्ता की हसरत में कुछ इस तरह भुला देते हैं कि राज्य की जेब जवाब देने लगती है। कुर्सी पाने के लिए की गई तिकड़मे और रेवड़ियों की बौछार जनता पर भी बोझ बनकर गिरने लगती है, तो विकास और अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाते हैं। गारंटीड चुनावी जीत के लिए लोक लुभावन वादों वाली तरकीबों से धड़ाम अर्थव्यवस्था की ताजा प्रयोगशाला कांग्रेस के राज वाला हिमाचल प्रदेश है, जहां की सुक्कू सरकार आईसीयू में पड़ी सूबे की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए कटौतियों की ऑक्सीजन देने को मजबूर है। अभी सत्ता में आए आधा समय भी नहीं बीता कि कांग्रेस सरकार का खजाना खाली हो चुका है। आलम यह है कि अब सीएम खुद अपना वेतन नहीं लेने की बात कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति देश की सियासत और सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र है, जहां राज्य चलाने के लिए पर्याप्त राजस्व की कमी हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि वो अपने 2 महीने का वेतन और तमाम भत्ते नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, विधानसभा में इस बारे में बताते हुए सीएम सुक्कू ने कहा कि उनकी सरकार के सभी मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव भी अगले 2 महीने तक वेतन और भत्ते नहीं लेंगे।